अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, कट गया था ये, तो मैं बता रहा था कि सहाबा इकराम से, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये साबित है कि ये वाजिब नहीं है हर साहिब निसाब पर, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर साहिब निसाब की शर्त लगाना ये भी गलत है, और इसको वाजिब कहना ये भी गलत है। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या कोई कर्ज़ ले करके बकरी ज़िबह कर ले, क़ुरबानी कर ले? तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी, हाँ भाई बिल्कुल कर्ज़ ले करके क़ुरबानी करो, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से एक रिवायत में आता है कि जो है ज़कात के जो आए हुए थे बैतुल माल में ऊँट वग़ैरह, तो अल्लाह के रसूल जिनके पास ताकत नहीं थी क़ुरबानी करने की, बैतुल माल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊँट दिए। उसके ताल्लुक़ से भी कई रिवायतें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को जिनके पास क़ुरबानी के लिए जानवर नहीं होते, बैतुल माल के ऊँटों में से दे दिया करते थे उनको कि लो इनकी क़ुरबानी करो। बल्कि एक वो भी मशहूर है अबू दाऊद वगैरह की रिवायत, जिसमें है कि एक शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में एक ऐसा भेड़ का बच्चा था जो अभी दो दांता नहीं हुआ था, अल्लाह के रसूल ने उसको दिया। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल ये तो अभी दो दांता नहीं हुआ है, अल्लाह के रसूल ने कहा अभी तुम क़ुरबानी कर लो इसकी, उनको इजाज़त दे दी ख़ास उनके लिए, कहा अभी तुम इसमें इसकी क़ुरबानी कर लो। तो जो खुद क़ुरबानी नहीं कर सकते, अल्लाह के रसूल उनको बैतुल माल से दे रहे हैं क़ुरबानी करने के लिए, तो इसमें साहिब निसाब की क्या शर्त आ गई? इन हदीसों से तो वाज़ है कि साहिब निसाब हो ही नहीं सकता, ज़रूरी नहीं है साहिब निसाब होना कि जो ख़ुद जो है बैतुल माल से मदद ले रहा हो, जो कर्ज़ ले करके क़ुरबानी कर रहा हो, वो साहिब निसाब कहाँ है? और भी बहुत सारी रिवायतें हैं इसके ताल्लुक से, जिनसे बिल्कुल वाज़े हैं कि ना तो इसमें साहिब निसाब होना शर्त है और ना ही ये हर फर्द पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। जो इन्होंने रिवायत दलील में पेश की है वो इस ताल्लुक से है ही नहीं रिवायत, वो तो असल में उन्होंने जो है नज़र मानी थी साहबी ने, लिहाजा उन पर फ़र्ज़ हो गया था कि उस नज़र को पूरा करें, एक बड़े जानवर ज़िबा करने की उन्होंने नज़र मानी। अब जो है वो मिल नहीं रहा जानवर, तो अल्लाह के रसूल ने उन्होंने से पूछा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अभी तुम 7 बकरियां ले लो। तो मुहद्दिसीन ने जो है ये वाज़ह किया है इस रिवायत से कि बड़े जानवर जो है वो 7 बकरियों के मसावी है, यानी 7 हिस्से उसमें से होंगे, गाय में से 7 हिस्से होंगे। इस चीज़ की दलील पर इमाम इब्न माजा वगैरह लाए इस रिवायत को कि 7 हिस्से जो है गाय में होंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय को 7 हिस्सों पर 7 बकरियों के बराबर उसके मसावी करार दिया। वहाँ ये नहीं, इस हदीस को किसी भी मुहद्दिस ने इस बात पर पेश नहीं किया कि इससे ये मालूम होता है कि जो है साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है वाजिब है, ये किसी ने भी इस हदीस को लेकर के पेश नहीं किया, बल्कि 7 हिस्से होते हैं गाय में, इस चीज़ पर जो है इसको दलील बनाया है उन्होंने, जो कहा मुझ पर ज़रूरी हो गया, मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है, क्योंकि उन्होंने नज़र मानी थी, अब उन पर ज़रूरी था कि वो जो है एक गाय ज़िबह करें, लेकिन उनको नहीं मिल रही थी, तो अल्लाह के रसूल ने यह तरीक़ा बता दिया कि क्योंकि गाय जो है वो 7 बकरियों के मसावी है, इसीलिए तुम 7 बकरियाँ लेकर ज़िबह कर लो, वो नज़र पूरी हो जाएगी तुम्हारी। उसके मकसद व मफहूम को बदल दिया यहाँ पर इस दलील में उन्होंने पेश किया, हालांकि वो है ही नहीं इस ताल्लुक़ से। बहरहाल मुख्तसर ये कि क़ुरबानी जो है ये सुन्नत मौक्कदा है, हर साहिब निसाब पर ये वाजिब नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं मिलती कि हर साहिब निसाब पर वाजिब है, बल्कि इसकी बहुत सारी दलीलें हैं कि ये सुन्नत है और
साहिब हिसाब हो या ना हो, जिसके पास इस्तेआत और ताकत हो वो कुर्बानी करे, जिसके पास नहीं है ताकत वो ईद की नमाज़ के बाद, बकरीद की नमाज़ के बाद बाल नाखून वगैरह काट ले, उसको भी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ दे। माफ़ कीजिएगा, कट गया था ये, तो मैं बता रहा था कि सहाबा इकराम से, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये साबित है कि ये वाजिब नहीं है हर साहिब निसाब पर, तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर साहिब निसाब की शर्त लगाना ये भी गलत है, और इसको वाजिब कहना ये भी गलत है। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या कोई कर्ज़ ले करके